हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आज है कार्तिक का छठा दिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक महात्म छठा अध्याय। छठा अध्याय इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, जब रात्रि दो घड़ी रह जाए तब व्रत करने वाला पवित्र हृदय से भगवान विष्णु को मनन करता हुआ अपने नगर या गांव के निकट नहर, तालाब या कुएं पर जाएं। तालाब पर जाते समय यह ध्यान रखें, वहां का जल पवित्र हो। यदि जल अपवित्र है तो अपने घर पर ही स्नान का विधान है। वैसे पद्म पुराण के अनुसार नहर नदी में स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। संगम जैसे प्रयागराज में स्नान करने का महत्व 10 गुना है। परंतु यदि नदी नहर उपलब्ध नहीं हो तो व्रत में बाधा नहीं पड़ती। आप घर के नहाने के पानी में ही कुछ बूंदें पवित्र जल का मिलाकर नहा लीजिए। व्रत करने वाला प्रभु को स्मरण करे, स्नान का संकल्प करे और भगवान को नमस्कार करे। उसके बाद सूर्य को अर्घ दे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। प्रयागराज बद्रीनाथ, जहां मुनि ज्ञानी ध्यानी वेद पुराण उपासक यज्ञ करके संसार को पवित्र करते हैं, यही लोक की रक्षा करते हैं, विष्णु पद प्राप्त करके रहा गोचर करते हैं, वे सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में हमारे पदार्थ को स्वीकार करें। भगीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा आदि अनेकों अनेक देवी देवताओं को स्मरण करते हुए जल में स्नान करें। नहर नदी में नाभि पर्यंत जल में घुस सकते हैं। इस प्रकार शरीर, मन, वचन, कर्म सहित पवित्र हो जाएं। तिल तथा आंवले का चूर्ण शरीर से मलें, शरीर कांति युक्त हो जाएगा। तुलसी की जड़ की मिट्टी भी गुणकारी होती है। कार्तिक के व्रत में अमावस्या, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी तिथियों पर आंवला और तिल का चूर्ण शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद व्रती अपने देव ऋषि पितरों का तर्पण करें। पवित्र भाव से तर्पण करने के बाद दान पुण्य करें। तिल का दान महादान बताया गया है। जिन्होंने तिल के दान किए उनके पितर उतने ही वर्षों तक स्वर्ग धाम में वास करते हैं। स्नान के बाद जल से बाहर आकर स्वच्छ होकर स्वच्छ व पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का अर्चन करें। जिस तीर्थ पर वास हो उस देवता का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हुए गंध, पुष्प, फूलों का अर्घ प्रदान करें। वेद पाठी ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति विष्णु रूप होते हैं, उनका सादर अभिवादन करें। उनका अपमान तथा विरोध करने वाले को कार्तिक मास का फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी अत्यंत पवित्र पौधा है, इसकी एक एक पत्ती का महत्व है। तुलसी पूजा ईश्वर को अत्यंत प्रिय है, अतः तुलसी की पूजा करें, इसकी भक्ति भावना से परिक्रमा करें। तुलसी का स्पर्श अपवित्र हाथों से कभी ना करें। तुलसी को सबसे पहले देवताओं ने उत्पन्न किया था, उन्होंने ही तुलसी दल की पूजा का विधान बनाया था। भक्ति पूर्वक तुलसी भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाला कार्तिक मास में प्रभु को अत्यधिक प्यारा होता है। कार्तिक व्रत मुक्ति देने वाला, धन धान्य उत्तम संतान से युक्त करने वाला है। इसीलिए श्रद्धा के साथ कार्तिक का व्रत करना चाहिए। बोलिए कार्तिक महात्म छठे अध्याय की जय मित्रों। इस प्रकार छठे अध्याय में कार्तिक स्नान, दान, व्रत का महत्व बताया गया है। कल हम आपके लिए कार्तिक महात्म अध्याय 7वां लेकर आने वाले हैं। अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। जय राई दामोदर भगवान, जय कार्तिक के ठाकुर।